उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने अब उत्तराखंड के सभी मदरसों का स्वरूप बदलने का मन बना लिया है। अब उत्तराखंड के मदरसे दूसरे स्कूलों की तरह मॉडर्न नजर आएंगे और मदरसों में संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी, जिसमें एनसीईआरटी सिलेबस को मदरसों के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। पिछले काफी समय से उत्तराखंड के मदरसों को लेकर वक्फ बोर्ड तैयारी में लगा हुआ था। फिलहाल इस परिवर्तन के लिए ड्राफ्ट पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। वक्फ बोर्ड ने फैसला लिया है कि वह जल्द ही राज्यों के मदरसों को पूरी तरह से हाईटेक कर देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज, मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ। उत्तराखंड के मदरसों में संस्कृत पढ़ाने को लेकर वक्फ बोर्ड की ओर से एक नया आदेश जारी किया गया है। उत्तराखंड के मदरसों में अब से संस्कृत विषय भी पढ़ाया जाएगा। जी हाँ, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने इस बात का खुलासा करते हुए कहा है कि राज्य के मदरसों में एनसीईआरटी के अंतर्गत आने वाले विषय पढ़ाए जाएंगे। मदरसों में मुस्लिम छात्र संस्कृत, हिंदी समेत अरेबिक या दूसरी भाषाओं के विषय का भी चयन कर सकेंगे। इसके लिए सरकार के साथ वक्फ बोर्ड लगातार कोशिशों में लगा है। वही आपको बता दें, वक्फ बोर्ड की ओर से प्रदेश के 4 जिलों में शुरुआती तौर पर 4 मदरसों को मॉडर्न किया जा रहा है। इसके तहत वक्फ बोर्ड ने एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में कुरान का नारा भी दिया है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने इस बात का खुलासा किया है कि राज्य में मॉडर्न मदरसे बनाए जा रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी के विषय को पढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिहाज से एक छात्र के द्वारा संस्कृत में कुरान लिखी है, जिन्हें मदरसों शिक्षा कमेटी में भी शामिल किया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने वक्फ बोर्ड की पहल का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य में संस्कृत के साथ साथ मदरसों में अन्य भाषाओं को भी पढ़ाने की जरूरत है, जिससे मदरसों में पढ़ने वाले छात्र को अन्य भाषाओं का भी ज्ञान हो सके। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आजकल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सिस्टम के नजदीक आने के लिए जमकर चाटुकृता भी कर रहे हैं। शम्स ने कहा कि पहले चरण में 4 मदरसों के आधुनिकीकरण की कवायद पूरी होने के बाद दूसरे चरण में अन्य मदरसों का चयन किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बोर्ड को मदरसों में शिक्षा के आधुनिकीकरण में हर मदद का भरोसा दिया है। वही आपको बता दें, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड प्रदेश में 103 मदरसों का संचालन करता है, लेकिन अब देखना यह होगा कि संस्कृत भाषा को मदरसे के पाठ्यक्रम में जोड़ना व्यवहारिक होगा या अव्यवहारिक। शुक्रिया।